السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وحبيب قلوبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وكريمنا ومولانا وملجأنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهمي. وسع ذنب من بصرصام مدد قبلي دي مدد كعبوي ما مدد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد المبارك وسلم وصلوا عليه. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. محبت کے ساتھ ورد کیجئے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. نہایت سامعین محترم، الحمدللہ پچھلے جمعے اللہ رب العالمین کی توفیق، اس کی عنایت سے ہم حج بیت اللہ شریف کی نیکیوں اور کس طرح سے حج کرنا ہے اس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے تھے، اور انشاءاللہ وعدہ تھا کہ آج ہم حاضری دربار ذیشان آقا دو جہاں حضور پرنور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اس مدینہ پاک کا ذکر کریں گے کہ اس شاخ کی حاضری مدینہ پاک میں کس طرح ہوتی ہے، اور جو حج پہ لوگ جاتے ہیں بڑی محبت کے ساتھ اس در پہ کس طرح حاضری دیتے ہیں. تو گفتگو کا آغاز امام اہل سنت شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس شعرا آفاق کلام کے مطلعے سے کرتے ہیں جو فرماتے ہیں، آپ کے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبہ کا کعبہ دیکھو. اللہ اکبر. امام اہل سنت عظیم البرکت نے اس مدینے کی حاضری میں اللہ اکبر کیسے کیسے واقعات بیان کیے.
अल्लाह रब्बुल आलमीन की कब्र अनवर पर करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए। मेरे दोस्तों, ये मदीना पाक आका अलैहिस्सलाम की इनायत से हमें मिला, तो कैसे मिला? हिजरत हुई, उस हिजरत के मौके पर सरकार दो जहां हुज़ूर पुरनूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मक्के शरीफ को छोड़ा, और मक्के छोड़ने पर बहुत मलूल थे मेरे आका, बहुत रंज में थे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर साथ थे, तारीख आपके इल्म में है कि हिजरत करके तमाम मुसलमानों को हुक्म हुआ कि हिजरत करके फौरन मदीने पहुँचो, और वह छोड़ दिया गया। तो जब रास्ते के अंदर सरकार अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में एक दुआ पेश की कि या रब्बुल आलमीन जल्ला शान हो, इतना मक्का अजमत वाला तूने बेशबहा अजमतें मक्का शरीफ में रखी हैं, और क्यों ना हो। अब हाजिरी के लिए जाते हैं, मुख्तसर सा हल्का सा जायजा देखें मक्के शरीफ में कितनी अजमतें हैं। अल्लाह अकबर, मक्के के अंदर टोटल 120 नेकियाँ आपको मिलती हैं। वो नेकी वो वाली नहीं जो हम आम करते हैं, वो रहमतें, अल्लाह का रहमत का नुजूल डायरेक्ट आप कर नाजिल होता है उन बंदों पर, किन पर? जो मक्के मकावे के अतराफ में होते हैं, उनको 120 नेकियाँ मिलती हैं। किस तरह की? 60 नेकी तवाफ करने वालों को, जो तवाफ करते हैं आप देखें, उनको 60 रहमतें अल्लाह की डायरेक्ट नाजिल होती हैं ऊपर से, और 40 वो जो इबादत करते हैं काबे के शरीफ के अतराफ में, कुरान शरीफ पढ़ लिया, तस्बीह कर ली, और 20 नेकी हैं। 20 नेकी ऐसी हैं अल्लाह अगर ना किसी इबादत का ताल्लुक है उससे, वो 20 नेकी वो हैं कि आप खाली वहां बैठकर बैतुल्लाह शरीफ में प्यार से काबे को देखते रहो, उस काबे शरीफ को देखने की अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको 20 रहमतें आसमान से नाजिल फरमाता है बेशबहा, क्या आपकी तंद्र मंदिर होती है उस काबे में। और एक नेकी 1,00,000 नेकियों के बराबर का सवाब, आपको एक नेकी करो 1,00,000 नेकी। तो इस अजमत वाले मक्के के लिए छोड़ना आका अलैहिस्सलाम को बड़ा भारी था, बड़ी मलूल थे। तो आपने दुआ के लिए हाथ उठाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला शानहू ने इस दुआ को रकम किया कुरान मजीद फरमान हमीद के 15वें पारे में, वक्ल रब्बी अदखिलनी मुदखिल सिद्क वअखरिजनी मुखरिज सिद्क वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाह कह दो महबूब अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह मुझे कोई ऐसा शेर यहां से जा रहा हूं अता फरमा जो काबे जैसी अजमत वाला हो, उसमें इतनी अजमत हो, उतनी नेकियां हो कि मैं काबे के बराबर उसको मुआजना कर सकूं, ताकि मेरे उम्मती उस शहर को पाकर काबे जैसी और काबे जैसी अहमियत में। अल्लाह अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम का अल्लाह ने तोहफा क्या अता फरमाया, मदीने पाक का तोहफा। अब मदीने में क्या है देखें, आप मदीने और काबे को कंपेयर करेंगे इस जमीन में, अल्लाह अकबर। तो देखें काबे शरीफ के अंदर बज़ाहिर तो नेकियों में काबा ऊंचा, 1,00,000 नेकी, एक नेकी करो कितनी मिलती है बाबा से बुलंद, कितनी? 1,00,000 नेकी आपको एक नेकी पर मिलता है। मदीने शरीफ को शर्फ ये दिया कि एक नेकी करे तो 50,000 नेकियां मिले, आधा बज़ाहिर आधा है, तो आपको लगेगा कि नहीं काबा अफजल है, आप 1,00,000 नेकी। अब सुनिए अफजल क्यों किया, महबूब का शहर था ना, जहां तेरे कदमों के नाले की मिट्टी जिस जगह से तेरे गुजर जाए उस शहर की कसम, अल्लाह रब को कसम खाने की जरूरत, कितना मुबारक। कुरान मजीद फरमान हमीद में अल्लाह फरमाता है, महबूब जहां से तू गुजरे, जिस शहर से गुजरने की बात नहीं की, कदम की बात नहीं की, कहा तेरे नारे जा गिरे और उस मिट्टी की गुबार की कसम, महबूब तेरा जिस शहर में गुजरे उस बलद की कसम, उस शहर की कसम। तो आका अलैहिस्सलाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितनी मेहरबानी की, तो उस शहर में क्या है 50,000 नेकी कितनी है, एक नेकी पर 50,000 नेकी, काबे में एक नेकी पर 1,00,000 नेकी। लेकिन देखें फजीलत, अगर आप सियाने होंगे, बिजनेसमैन होंगे, दिमाग होगा तो सोचें, काबे शरीफ में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक गुनाह पर 1,00,000 गुनाह लिखा है, एक गुनाह करोगे 1,00,000 गुनाह, और मदीने शरीफ में 50,000 नेकियां भी कमाओ गुनाह करो एक ही गुनाह होगा, 50,000 गुनाह नहीं होगा। अल्लाह अकबर, देखिए कितनी फजीलत। आप क्यों, मेरे आका को पता था कि मेरे उम्मती गुनाहगार ही हैं, काबे में जाकर आप खुद बताइए, आपसे कोई चूक हो सकती, कोई ऐसा पारसा है जो कह दे कि नहीं यार मैं तो पक्का गुनाह करूंगा नहीं, जबानों में, अल्फाजों में, बातों में, अब तो आम है, पिछला तो शायद आप तो 100 साल 2 साल पहले तो लग हज करते थे, तो शायद 25% आप कह सकते होंगे गुनाहगार, वहां गुनाह नहीं करता होगा 25%, लेकिन अब तो ये जो सेलफोन आया है, खुद सोचो तवाफ कर रहा है शहर में अपने, अल्लाह के घर का तवाफ कर रहा, तेरी नीयत तवाफ की है,
उस वक्त अल्लाह फरमाता है, तो तब तवाफ कर रहा होता तो तेरे को किसी का तसव्वुर आना नहीं चाहिए। इवन अल्लाह ने ये फरमाया, मैंने तेरे को ये नहीं बोला कि तू ये पढ़ ये पढ़ ये पढ़ ये पढ़, ये सब मुस्तहब अमल है, जो तू किताबों में पढ़ रहा है ये सब मुस्तहब है, ना पढ़े तो खाली चक्कर लगा ले और बस तेरा वो तवाफ कबूल हो जाएगा। चक्कर कैसा, कि तुझे ये तसव्वुर हो कि मैं अल्लाह के घर का तवाफ कर रहा हूँ। उस वक्त भी ये लोग सेल फोन के ऊपर बिजनेस, घर में परेशानी, अम्मा ये हाँ मैं देखो तवाफ कर रहा हूँ। अरे तेरी तवज्जो अल्लाह की तरफ है कि घर की तरफ है, तो ये क्या है, गुनाह में शामिल होता है ना। अब एक लाख गुना, गुनाहों का अंबार लेकर जब मदीने आते हो और मदीने में एक नेकी क्या हजारों नेकी करते हो, तो लाखों करोड़ों तुमको नेकी मिलती हैं और गुनाह सिर्फ एक ही मिलता है। तो ये है मदीने पाक मेरे दोस्तों, अजमत वाला शहर आका अलैहिस्सलाम ने हमें अता फरमाया, हमें हाजिरी। अब ये लोग हाजिरी के लिए रोकते हैं, आपने देखा होगा मदीने मक्के में जाओगे ना तकलीफ करते, देते क्यों जाते हो। वो एक इमाम ऐसा आ गया है बदबख्त जिसने लिख दिया है कि मदीने का सफ़र अगर अल्लाह के रसूल की हाजिरी लेके करोगे तो सबसे बड़ा शिर्क है, वो जहन्नम में जाए। नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह ताला गलत करेगा। एक शख्स की बदबू की वजह से सारा आलम के उन्होंने वो सऊदी अरब पूरा रिकॉर्ड ही लगा दिया, वहाँ बैठ के घना जाओ। लेकिन आपको मैं बताऊँ, आका अलैहिस्सलाम बैठे हैं सहाबा में, सरकार फरमाते सुनो जिस तरह तुम मेरी ज़ियारत के लिए आते हो ना, मुझे देखने आते हो साहबियों, मेरे साथ बैठते हो, तो मुझे तुम अल्लाह ने मेरे को हुक्म दिया है कि महबूब जो तुझसे प्यार से मिलने आए तुझ पर लाजिम है कि तू उसकी कल कयामत के दिन शफात कर। अब जो तुम मुझसे मिलने आए हो मेरी मुझ पर तुम्हारी शफात लाजमी हो गई है। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो हम खुश नसीब हुए ना, तो फिर वो जो आप अगर विसाल कर गए तो फिर आका ने फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाहु अकबर के मन ज़ार कब्री वजबत लहू शफाती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफात लाजमी है। अल्लाहु अकबर मन ज़ार कब्री, और इसको कहाँ ले जाते हो, ये तुम नहीं देखते बुखारी की हदीस, ये नहीं पढ़ते, उसको साइड में रख देते हो। अल्लाहु अकबर मौता शरीफ में इमाम मालिक, ये मौता शरीफ वो किताब है हदीस की के दुनिया आलम के मुहद्दिसीन फरमाते हैं, बुखारी शरीफ अपनी जगह फजीलत वाली, लेकिन सबसे ज्यादा अगर हमसे पूछते हो कि फजीलत में और आला किताब मौता शरीफ है इमाम मालिक की, इतनी इश्क मोहब्बत से भरी पड़ी किताब है। आज सऊदीया की जो मदीना शरीफ है, मदीना यूनिवर्सिटी, आप इंटरनेट पे जाओ, मदीना यूनिवर्सिटी वहाबियों का सबसे बड़ा इदारा है दुनिया आलम के अंदर, और वहाँ से सारी किताबें छपती हैं और ये पढ़ा ही जाती है मौता शरीफ, क्योंकि इमाम मालिक मदीना शरीफ में ही रहे सारी जिंदगी, मदीने से बाहर नहीं निकले। क्या इश्क था, और हदीसें भी उनकी ऐसी हैं, उन्होंने कम से कम 700-800 हदीसें रद्द कर दी, काट दी इश्क वाली, लेकिन फिर भी जो हदीसें रखी वो मैं बयान कर रहा हूँ आजकल, जो इन्होंने मैं आपको वो बयान करूंगा जो अभी भी इनके पास मौजूद हैं, वो रद्द नहीं कर सके। वो फरमाते हैं इमाम मालिक का हज कैसा, इमाम मालिक का मदीने रहने का अंदाज कैसा था, आप कोने कोने चला करते थे, कोने कोने मदीने पाक में चला करते थे, कभी सेंटर में नहीं चला करते थे, अल्लाह कभी घोड़े पे सवार नहीं थे, और आप घोड़े के ताजिर भी थे, आपके बेशुमार आला नस्ल के घोड़े हुआ करते थे आपके घर में, लेकिन कभी भी घोड़े पे सवारी नहीं की। पूछा या अमीर या इमाम, या कोने कोने पे क्यों चलते हो मदीने शरीफ में, बीच में क्यों नहीं चलते। कहते हैं तू क्या जाने, मुझ गुनाहगार के कदम और मेरे आका अलैहिस्सलाम के नाले ने पा कभी खुदा ना खास्ता इस मालिक से अपने कदम गंदे कदम इन सरकार के कदमों पर लग गए तो मैं कहीं बदबख्ती में शुमार ना होता। ये इनका अल्लाह इश्क का अंदाज, मदीने से कभी बाहर ना निकले, एक ही हज किया, एक हज किया जिंदगी के अंदर जो फर्ज था। पूछा इमाम आपके सामने तो मक्का है, लोग तो कहाँ कहाँ से आके, कई लोग हर साल हज करते हैं, और आप कहते हैं तुझे पता है अगर मैं मदीने से बाहर लगा निकला तो जिंदा रहूंगा, तू देखता गारंटी मुझे, और मैंने कसम खाई है नीयत की है अल्लाह मुझे मदीने में मौत दे, मेरा तो इरादा यही है। आप रफा हाजत करने के लिए सिर्फ 3 दिन में एक बार जाया करते थे बाहर, जाके रफा करके वापस आ जाते थे। अल्लाह अकबर, वो कहीं का कहा ही करते थे क्या भरोसा कि मदीने जाके निकलना ना शहर से बाहर, मदीने जाके निकलना ना शहर से बाहर, खुदा न खास्ता ये जिंदगी वफा न करे। तो मकसद क्या था, वो इसका ईमान था मौत मुझे यही मदीने में मिले, वो क्यों ना हो। पता है तो आका अलैहिस्सलाम हजरत मलफूजात शरीफ में फरमाते हैं, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो मदीने शरीफ में मरा मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमान, वो कैसा, उसकी शफात अगर मेरा आशिक है सच्चा है मोहब्बत वाला है उसकी शफात मुझ पर लाजिम है। होगा क्या, आका अलैहिस्सलाम फरमाया कल कयामत के दिन जब मैं उठूंगा सबसे पहला मैं उठूंगा कयामत के दिन, अल्लाह मुझे उठाएगा, और उसके बाद दूसरा ही जन्नती बकी में जितने मोमिन मुसलमान मेरे उस्ताद प्यारे मेरे पीछे उठेंगे और सबको मैं जन्नत में लेकर जाऊंगा। तो इसीलिए इमाम आला हजरत शाह फरमाते हैं कि तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आँख
अरे तैबा में जाओ और वहां रुक जाओ, मर जाओ, और तैबा में जाके ठंडे चले जाओ, आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है, शफाअत नगर की है। अल्लाह अकबर, तो ये है मदीने पाक, कितनी हुरमतें हैं, अल्लाह अकबर कितनी अजमतें हैं उस शहर की, उसकी मिट्टी के अंदर भी शिफा है। आका अलैहिस्सलाम मदीने पाक से गजवा करके आ रहे थे तो तूफान आ गया, तो मदीने में जैसे दाखिल हुए तूफान आया, आंधी चलने लगी, तमाम सहाबा जो पीछे मुजाहिद थे सब ने अपने जो ये थे इमाम शरीफ पूरे चेहरे पर बंद लिए, बांध करके पैक कर लिया कि ताकि आंखें मुंह में मट्टी ना जाए। आका अलैहिस्सलाम दौड़े हुए मुड़ के देखा होता, ओ साहबी ये क्या करते हो तुम, तुम्हें नहीं पता ये तुम क्या हरकत की, तुमने यार सुल्ला मट्टी, बोले ये मट्टी वो मट्टी नहीं जो तुम्हें आम मट्टी समझिए, अरे ये मट्टी अगर तुम्हारे चेहरे पर लगी तो ये शिफा देगी। अल्लाह मदीने की मट्टी शिफा है, अल्लाह मदीने का चप्पा चप्पा शफा है, जहां कदमे लाने पाक के सरकार मदीना लग जाए मेरे दोस्तों। ये तो मैंने छोटी सी मिसाल इमाम मालिक अलैहि रहमतुर रिजवान की भी, मंजारा कबरी वजह मतलब शफा थी। इस कलाम पर आपने हदीस में हाशिया लिखा मोता शरीफ में, एक शख्स आया आका अलैहिस्सलाम के दरबार अकदस में और आके इमाम मालिक तो मालिक थे उस वक्त इमाम थे मदीना शरीफ के, तो आके मसला पूछने लगा। सरकार ने पूछा कैसे आया, चला मैं कब्र की ज़ियारत करने आया रसूल अल्लाह, गुस्से से खड़े हो गए, बोले मेरे पास से निकल जा और मदीने से भी दफा होगा, तूने ये कैसे कहा कि कब्र पर आया, तुझे नहीं पता रसूल अल्लाह ने फरमाया कि मेरे जिंदगी के बाद और मेरे मरने के बाद जो भी मेरे कब्र पर आएगा वो ऐसा आएगा जैसे दुनिया में जिंदगी में मेरी ज़ियारत करने आया, तूने कैसे कहा था, तू ये कह मैं रसूल अल्लाह की ज़ियारत के लिए आया हूँ, मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मिलने आया हूँ। मेरे दोस्तों ये इमाम मालिक हारून रशीद, हारून रशीद बहुत बड़ा बादशाह आपको पता, सल्तनतों का मालिक, आपका शागिर्द भी था, इमाम मालिक से पढ़ना भी चाहता था मोता शरीफ, इस पर बड़ी लंबी बहस है। तो सरकार मदीना शरीफ में आया और आते ही मसला पूछने लग गया कि या इमाम मुझे ये मसला बयान कीजिए कि लोग कहते हैं कि रोजा अकदस के सामने दुआ नहीं मांगनी चाहिए, काबा की शरीफ दुआ मांगनी चाहिए। अल्लाह काबी के, तो इमाम ने कहा अच्छा तू ये समझता है कि तू रसूल अल्लाह को पीठ देकर काबे से सब कुछ ले लेगा तो तेरी ये बदबख्ती है, अरे बदबख्त जो मिलेगा सामने ही मिलेगा तुझे। अच्छा मोता शरीफ के अंदर है, मतलब ये बताइए आप कला, ये हदफ नहीं कर सके थे, ये हदफे कर दी, ये हदीसें चंद ऐसी हैं कि जिन्होंने हदफ कर दी, कई सौ हदीस हदफ किए मदीना की लाइब्रेरी में आप देखेंगे। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों ये आशिकों की हाजिरी थी, ये आशिक वहीं रुकना चाहते थे। इमाम जामी अलैहि रहमतुल्लाह को देख लीजिए, इमाम जामी को देखिए, अल्लाह अकबर पूरा गवाह है, पूरी किताबें इनकी गवाह है, शहदतुल नबूवा उठा के देखें, कदम कदम पर आपका मोहब्बत और उत्साह मदीने लिख लेंगे। तीन साल तक मदीने गए, जब आपने तीन साल तक मदीने गए अल्लाह के आपने कलाम लिखा और अल्लाह के रसूल से दुआ की, या रसूल अल्लाह तुम्हारे दरबार में आपको सुनाऊंगा, और इतना मोहब्बत वाला कलाम था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सुनाऊंगा, तो आका अलैहिस्सलाम के दरबार में जब हाजिरी दी सरकार ने बिशारत दी, सुल्तान अमीर मदीना के, देखो ये आने ना पाए जामी, ये जामी है मौलाना, ये आने ना पाए, काफिले में आ रहा है, इसको रोक लो अगर इसको रोक सकते हो तो। अल्लाह अकबर, उस सुल्तान ने तीन दफा उनको उठा के बाहर फेंकवाया, रोकते वो समझता ना सुल्तान कोई होगा ऐसा मामला। एक दिन चौथी दफा फिर उन्होंने कोशिश की, कोशिश दफा कैसी कोशिश की कि भेड़ बकरियों में और भेड़ बकरी की खाले पहनकर और बकरियों की शक्ल के अंदर चलते राज में मदीना तो जाके रहूंगा जाके रहूंगा। जब सुल्तान ने पकड़ा तो उसको उठाकर जेल में बंद कर दिया। बोले तू इतना बड़ा मुजरिम, जाने से आए है जाने से, तू इतना बड़ा मुजरिम और तूने मेरी भी खराब वर्दी की, वहां आकार खाओ ने मुझे बशारा देकर आने ना पाओ, तू तीसरे साथ भी आया, उठा के जब बंद करा और बंद करके जेल में डाल दिया। जब जेल में डाला ना अल्लाह आकार फौरन आ गया, अरे ओ अमीर बदबख्त ये तूने क्या किया, मैंने तुझे कब कहा कि मेरे आशिक को तू जेल में डाल। कहने लगे या रसूल अल्लाह आप तो कहते हो निकालो बाहर करो, मैं समझा बहुत बड़ा मुजरिम है ये जामी जिसकी वजह से आप परेशान है, मुझे ख्वाब में दे रहे हैं, मुझे क्या बता रहे, ये तो मेरा आशिक है, मैं इसलिए नहीं बुलाना चाहता कि जो इसने ये कलाम लिखा है अगर ये कलाम मदीने पाक में मेरे दरबार में पढ़ लेगा तो मेरी कब्र फट जाएगी, मैं बाहर निकल कर उससे मिलूंगा। ये वजह है कि मैं उसको रोकना चाहता था जिसको रोक ले जामी को, अल्लाह जामी को उठा के टेली पर खड़ा कर दिया, टेले बहुत बड़े, बोला अब जामी तू नहीं आना, अब जामी खड़ा है, बोला अब तो खैर वापस जा रहा हूं। जब ये कहा मैंने कि नसीमा मैं तो नहीं जा सका मदीने, मैं तो नहीं जा सका ना, हवा से कह रहे हैं कि नसीमा जानी बे बतहा गुजर गुल, हवा मदीने की तू तो जाएगी, तुझे तो कोई नहीं रोक सकता मदीने जाने से, मेरे आका को क्या पैगाम देना कि नसीमा जानी बे बतहा गुजर गुल से अहवाल मोहम्मद जा खबर कुल। अल्लाह ये
कलाम लिखा और चले गए, ख्वाब में आकर की बशारत हुई, जामी तू क्या समझता है कि तुझे यहाँ नहीं बुलाया, तू फिक्र ना कर, मैंने तुझे यहाँ ही बुलाया था, लेकिन तू जब तू आंख बंद करके मुझे याद करेगा मैं तेरे दीदार को तेरे पास याद करूंगा। और फिर मदीने की हाजिरी दी। अब मदीने की हाजिरी दी तो जैसे ही मदीने में गुजरे, गलियों गलियों चप्पों चप्पों को चूम रहे हैं, तो जब ही तो आपने कहा कि या अल्लाह मदीने के कुत्ते को चूमा आपने, आपने शौहर तो नबूवा उठा के देखे, उसमें लिखते हैं मैंने मदीने के कुत्ते को चूमा आपने, और कहा काश में कुत्ता होता कितना खुश नसीब है कि यहीं रहता है। आप गए जालियों को चूम रहे तो देखा चारों तरफ रोज़े अक़दस में मेरा शेर लिखा हुआ है, नसीम जानिब बधा नज़र कुन, मेरा कलाम निकला। तो आपको हैरत होगी, आप चीख पड़े यार रसूलल्लाह मुझसे मेरा भी कोई दूसरा जामी था जो आ चुका है मुझसे पहले, आप ये समझे कोई और जामी है ये जिसने ये कलाम लिखा है। और आपने रो रो के दुआ के सरकार ख्वाब में कहने लगे, हो जामी और कोई नहीं है तेरे अलावा, तू ही है मोहब्बत वाला, ये तेरा कलाम मुझे इतना पसंद है कि मैंने मदीने के चप्पे चप्पे पे नस्ब कर दिया है कि नसीबा जानिब बधा नज़र कुन। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों आका अलैहिस्सलाम शफात करते हैं, शफात वाजिब है, शफात कैसी, आइए इमाम अहल शाह अब्दुल्लाह मुहद्दिस दहलवी ने जज़्बुल क़ुलूब इला दियारिल महबूब इस किताब को अपने बेश बेहतहा आला किताब, अल्लाह अकबर, इमाम मेरे इमाम जिसको इमाम समझकर मैं आज अपना अकीदा बयान कर रहा हूँ कि उनकी किताबें पढ़ के मुझे सुन्नी बनाऊँ मैं, और इमाम अहले सुन्नत उनकी किताबें पढ़ के हमें उससे सुन्नी का रुतबा दिया, वो इमाम शाह अब्दुल्लाह मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं अपनी किताब जज़्ब के अंदर एक वाक़या जिसको तमाम मुहद्दिसीन ने लिखा, मुस्लिम में भी है, जामा तिर्मिज़ी में भी है, अल्लाह अकबर, और मिश्कात शरीफ में भी है, कि एक अरबी सरकार के विसाल के बाद, अब आप देखें लोग कहते हैं कि ये जो मैंने आयत करीमा बयान अभी तिलावत की, वही जलम अनफसाऊँ जाऊक वाले पलम अन्नम जलम अनफसाऊँ जाऊक वाला, कि रसूलल्लाह के सरबार के दरबार में आ जाओ तुम्हें शफात मिल जाएगी, और ये रसूलल्लाह दुआ कर दें तुम्हारे लिए तो अल्लाह तब्बा पर रहीम, अल्लाह को बेशुमार रहम वाला पाओगे, ऐसा रहम वाला कि तुम्हारी सारी दुआएँ कबूल हो जाएंगी अगर रसूलल्लाह तुम्हारे लिए पार पे हाँ कर दें। अल्लाह ये आयत पर लोगों ने इतराज़ किया किताबों में कि वो जिंदा थे ना, ये कुरान की आयत जब है जिंदा नहीं, अल्लाह आका ने फरमाया वजबत लहू शफा थी, एक अरबी आपके विसाल के बाद पहुंचा, उसको नहीं पता था, सफ़र करके आया दूर से बिद्दू गांव का, आया तो देखा मदीने सब रो रहे, साहबा से पूछ रहा मैं या रसूलल्लाह से मिलना चाहता हूँ, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना चाहता हूँ, मेरा आका से कहाँ है, किसी ने ये नहीं बोला कि आका अलैहिस्सलाम विसाल फरमा गए। तीन रोज थे, देखें साहबियों का अकीदा दोस्तों किसी का, आप उठा के देखो किताबें, सब ने इशारा किया मज़ार की तरफ, सब इशारा कर रहे मज़ार की तरफ, कोई नहीं कह रहा आका चले गए, सब हज़रत अली के पास पहुँचा, हज़रत अली रो रहे थे, हाथ पकड़ा और कहा अल्लाह तुझे बताऊँ कहाँ है रसूलल्लाह, जाके कब्र अरबत पे खड़ा कर दिया, जब कब्र अरबत पे वो अरबी ने देखा कि रसूलल्लाह चले गए, चीख मार कर रोया, सारी मिट्टी अपने चेहरे पे करके निकल गया, या रसूलल्लाह अब मुझे कौन जवाब देगा, मेरे तो वो आयत करीमा जो कुरान की जो आपने बयान की है, वला अन्नहुम इज़लमू अनफुसहुम जाऊ कि अपनी जानों पे ज़ुल्म कर लो तो मेरे दरबार में आ जाना, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा अल्लाह तुमको तवाब रहीम रहमत करने वाला बख्श देगा, अब मेरी कौन करेगा, रो रहे हैं कि कब्र अंदर से आवाज आई, ए मेरे अरबी अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल कर लिया, तेरी मगफरत कर दी, तू मगफरत वाला हो गया। इस हदीस के रावी हजरत अली करमुल्लाह वजू है, आप फरमाते हैं वहां कई सहाबी मौजूद थे और उसके रावी बहुत से रावी सहाबी भी हैं। तो मेरे दोस्तों कब्र में जाने के बाद भी आका शिफात करते हैं ना, तो इमाम फरमाते हैं कि तू जिंदा है बल्ला, तू जिंदा है बल्ला, तू जिंदा है बल्ला, तू जिंदा है बल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। वाखर दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला आपको मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए, बल्कि हम सबको नसीब फरमाए, और जहाँ पिछले आने वाले साल में हम सब हजरतुल्लाह बैतुल्लाह शरीफ में सारे के सारे लोग गुरु की शक्ल में अल्लाह ताला अल्लाह के दरबार में मौजूद हों। वो सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी वाली वसहाबी अजमईन बि रहमत गया सबत अदा करें सल्लल्लाहु तआला अला खैर